गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बाबू के नाना बहुत दिनों के बाद आए थे, तो बाबू का कपड़ा भी खरीदे और ही बहुत कुछ खरीदे। वैसे तो बाबू की नानी नहीं रही, वो मेरा शादी से पहले ही डेथ हो गया था, इसीलिए मेरे पापा, बुआ, दादी, अंकल, आंटी इन्हीं लोग आए थे। तो बाबू के नाना कपड़ा लाए, अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले तो कर चुके थे लेकिन आप लोगों के लिए ये फिर से कर रहे हैं। बाबू पहन रहे तो बहुत क्यूट लग रहा था, ये कलर बहुत ही प्यारा था, पूरा सेट है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रहा, ये कंबल है, टर और वो पैंट, ये जूता है बाबू का, शूज। पैकिंग बहुत सा प्यारा है, इसके अंदर चलिए खोल के देखते हैं। बच्चा लोगों का कपड़ा तो बहुत ही सुंदर होता है, ये शूज़ मुझे बहुत ही क्यूट लगा, कलर भी बहुत प्यारा है। और पापा मिठाई नहीं लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीनी था, इसलिए पापा सिर्फ फ्रूट ही लाए। देख सकते हैं इसमें जितना है उतना ही रखे हैं। बाबू भी यहाँ पे अनार का टेस्ट कर रहा है, बाबू ने कि मिठाई बहुत ज़्यादा मीठा अजीब ही था इसीलिए नहीं पसंद पड़ा, तो फ्रूट ही ले लिए। वैसे भी फ्रूट सेहत के लिए अच्छा है, तो इसीलिए अच्छा ही है कि पापा फ्रूट लिए। ये भी बाबू के नाना ही खरीदे, ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, प्यारा लगा। वो छोटू सा कंबल है, ठंडी का समय था तो मैंने भी बहुत दिन से सोच रही थी कि जाती हूँ बाबू का शॉपिंग करने के लिए, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता था इसलिए मैं नहीं जा पाती थी। खैर, पापा अच्छा ही चीज़ ला दिए। ऊपर से 3-4 दिन से इतना ही बारिश हो रहा है कि बाबू बार बार टॉयलेट कर देते तो पैंट गीला हो जाता था, तो सूखने में भी प्रॉब्लम होता था, इसीलिए सोचते थे जाए मार्केट से ख़रीद कर लाए। बाबू का वैसे तो कपड़ा है लेकिन बच्चा का जितना ज़्यादा कपड़ा है उतना ही अच्छा है, क्योंकि उन लोग बार बार टॉयलेट करते हैं, पॉटी करते हैं, इसीलिए बच्चा लोगों का कपड़ा ज़्यादा ही रखना चाहिए। बाबू कुछ पैसे भी मिले, बच्चा लोगों का ही अच्छा रहता है, मस्ती से घूमो, खाओ, खेलो, सबसे पैसे भी ले लो। मम्मी के जाने के बाद तो बहुत ही दिक्कत होता है, माँ जिसकी नहीं होती वही जानता है कि माँ के बिना कैसे जीना मुश्किल होता है। खैर, सैड बातें नहीं करेंगे, चलिए अब आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मैं भी जाती हूँ बाबू को खिलाने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।